आप सोच की लुगाई हो गया नहीं हटिया से, तेरे पति को भी जानता हूँ उस बनिए को मैं, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना इस कहीं पर बुला के स्टाफ को, तुझे दो कोड़ी के गाड़ लेके तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ, ये मेरी प्रॉमिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी, ये हाँ पूरी, तू मालिक है यहाँ की? मैं अपने फ्लैट की मालिक हूँ। इसे लेके जाए, वरना राजवीर से ध्यान रखना, तू तुम चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल कुछ ना कर पाएगी तू, चल यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत लगाना। ले अपनी लैंग्वेज देख पहले। मैं तुझे जानता हूँ, निकल यहाँ से। जो सज्जन गालियों से महिला को नवाज रहे हैं और उसको तरह तरह के विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, वह बेसिकली श्रीकांत त्यागी है। वह भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। यह तस्वीर देखिए, वह योगी मोदी और नड्डा साहब को अपना आदर्श मानते हुए अपना परिचय लिखते हैं और उसके बाद 15 अगस्त के झंडा फहराने की भी अपील करते हैं। संस्कार उनमें इस कदर कूट कूट कर भरे हैं कि वह महिला दिवस पर महिलाओं को भी बधाई देने से नहीं चूकते और यहां तक कि उस मंत्र का भी इस्तेमाल करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसको भी वह नहीं भूलते। यानी संस्कार की कोई कमी नहीं है त्यागी जी में, अगर कमी है तो सत्ता के सनक की, कि कैसे एक आदमी जब सत्ताधारियों के कहीं अग्गू भग्गू लग्गू होता है तो उसे बातचीत की भाषा और गालियों की भाषा में फर्क नहीं दिखाई देता। यह कोई बड़ी चीज नहीं है, हैं एक मामूली पिद्दी से भाजपा के नेता, लेकिन आप गर्माहट देखिए, गालियों की तासीर देखिए और देखिए कि इतने लोगों के बीच यानी पंचों के बीच सरेआम उस महिला को गालियों से नवाज रहे हैं। मसला आपको साफ हो गया होगा। आइए आगे का भी वीडियो संस्कारी सुनाते हैं आपको कि वहां क्या त्यागी जी रुकते हैं या चालू रहते हैं। अकल नहीं है बिल्कुल बात करने की, जान दो तेरी हैसियत। ओ प्लीज, मैं तुम्हारी भी, मैं भी तुम्हारी वाले पे जाती हूं। हां शट अप, ये पेड़ यहां अगर किसी ने हिलाया ना क्या होगा? नहीं लग सकते, सब इलीगल है, सब इल्लीगल काम करने तो जाके भेजा ही वहाँ पे करो, यहाँ नहीं अलाउड है। सोसाइटी में ओमैक्स की जमीन है, तुमने खरीदी है? ओमैक्स की है, तो जो लीगल हो ना बुला के उसे दिखा देंगे। हाँ तो बस ठीक है, जल्द निकल यहाँ से। दो तीन पीछे लगते यहाँ तक आए थे उठा के, वो भी जानता हूँ तेरे बारे में, वो भी जानता हूँ। तेरे पति से लड़के थे यार, उठा के ऐसे बालक होने से पहले फिर सब जानता हूँ खात्मा। हाँ सब जानता हूँ, तेरे लौंडे होने से पहले उठा के जा रहे यहाँ से, सब जानते तेरे बारे में। दो नंबर के आपने आगे के वीडियो में भी सुन लिया, न गालियों में कमी की न धमकियों में कमी की। इतना ही नहीं, वह देख लेने की भी धमकी देते हैं, यानी देख लेना, किसी को मार देना, किसी को उठवा लेना, किसी का कुछ बुरा कर देना, भारत में देख लेना इसी को कहते हैं। यानी त्यागी जी सत्ता की सनक में इस कदर चौड़े हुए जा रहे हैं कि वो भूल जा रहे हैं कि वह एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिनकी नेता स्मृति ईरानी भी हैं, जो कि महिलाओं के संस्कार के लिए देश में भूचाल ला देती हैं। बेचारा विपक्ष का नेता लोकसभा में चौधरी साहब, आखिर अधीर रंजन चौधरी की जुबान ही तो फिसली थी, लेकिन क्या हंगामा काट दिया था स्मृति ईरानी ने। लेकिन क्या स्मृति ईरानी एक बार इन्हें भी आईना दिखा पाएंगी कि भैया ये क्या तुम नवाज रहे हो हमारी बहन बेटियों को? यह मेरी जैसी ही स्त्री तो है जो कि बिल्कुल रणबाकुरा हो गई थी, काली हो गई थी संसद में एक जुबान फिसलने पर, और इन भाजपाइयों की जुबान को कौन काटेगा काली बनकर, जो महिलाओं को सिर्फ गालियों से ही विभूषित कर रहे हैं और इतना ही नहीं धमकी अलग से देते हैं। जबकि रिकॉर्ड इनका यह है कि 2020 में
अपनी बीबी होते हुए दूसरे के साथ होटल में पकड़े जाते हैं, बकायदा मुकदमा दर्ज होता है, अखबारों में छपता है, फिर भी शर्म नहीं आती और गुंडागर्दी चरम पर चली जा रही है। जनज्वार जनता की मिल।